देखो कह, सारे और कौन सा बेस्ट होंगे आपको? ये आज की जहां तक बात करें किसी पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहा बहुत से लोग है oh, yes. जो बहुत ज्यादा हाई कॉस्टली में मार्ट ओपन करके दे रहे हैं oh, yes. कस्टमर को पता नहीं होता है बस उन्होंने जो है देखा वीडियो और फोन करके अब फ्रेंचाइजी ले ली फ्रेंचाइजी में तीन चार चीजें हैं जो बेकार रहती हैं सबसे पहले हम दो ढाई लाख रुपए जो फ्रेंचाइजी फीस देते हैं तीन लाख रुपए वो सबसे गलत है क्यों आ, हम फ्रेंचाइजी फीस दें तीन लाख का अपना खुद का हम माल भर देंगे तो हमको फायदा होगा, फायदा होगा। खुद का हम अपना ब्रांड लगाएंगे वो हमारे लिए बेहतर है हमारा ब्रांड सामने लगा हुआ है हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए हम काम करेंगे तो ये बेहतर होगा फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए तो ये स्कैम भी करते हैं स्कैम में कैसे तो इसका चाहिए चाहे जो भी ये है कि जैसे फ्रेंचाइजी दे दिए अब स्क्वायर फीट के हिसाब से माल भरते हैं तो ये इसमें स्क्वायर फीट से वो, वो माल भरते हैं अब तो रैक है हमारा इतना बड़ा ठीक है अब पंद्रह सौ रूपये एक स्क्वायर फीट का उन्होंने लिया ओ अच्छा। तो अब वहाँ माल की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे जो रखा हुआ है वहाँ वो तो तीन सौ चार सौ ले लिया पंद्रह सौ रुपए स्क्वायर सौ रुपये ठीक है हर जगह नहीं अब मैं कहूंगा कि आप जो है जो महंगा कॉस्मेटिक आइटम है yes. उसको भर के दो कॉस्मेटिक वाला पंद्रह सौ में आ, मतलब तो आप तो कह नहीं देंगे वो थोड़ा सा रहेगा आप कह रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल जितना भी ये फ्रांचाइसी मॉडल का ब्रांड वैल्यू उसमें से जितना कमाती है उससे डबल पर, पैसे वो लोग ले लेगा अगर जो मार्ट बीस लाख में खोलना होगा उसको ये तीस चालीस लाख में खोल के लाख में खोल के देंगे अननेसेसरी बीस लाख रुपए जाएंगे और दूसरी बात क्या होता है ना जितना भी रिटेल इस तरीके से जो हाइपर मार्केट सुपर मार्केट में क्या ना मार्जिन बहुत कम होती है इसलिए हम भेजेंगे तो, मुश्किल से पंद्रह से बीस है और हर प्रोडक्ट में नहीं होता यस है ना तो ये मान लीजिए पंद्रह बीस का मार्जिन किसी किसी प्रोडक्ट में तो पांच किसी भी एक का मार्जिन हर प्रोडक्ट में एक जैसे नहीं एक जैसा नहीं है जैसे ऑयल की बात करें तो ऑयल में प्राइजिंग लिखी रहेगी एक पांच लीटर का ऑयल है अच्छा उसमें प्राइसिंग लिखी रहेगी आठ सौ रुपए तो होलसेल में खरीदेंगे तो हमको मिलेगा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें आठ प्राइसिंग लिखी है होलसेल में पांच सौ चार सो का मिलेगा वो ओ, और फिर उसको जो है बढ़ा के बेच सकते हैं पचास रुपये ज्यादा ज्यादा है ना और फ्रेंच जो कंपनी क्या करती है फ्रेंचाइजी की हम आपको इतना डिस्काउंट दिला रहे हैं पहले ही प्राइस बढ़ा के घटा के फिर टैग लगा दिए बोले ये देखो डिस्काउंट तो ये सब चीजें हैं वो बनाना पड़ता है वो पूरी चीज समझ गया, समझ गया। है ना तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ फ्रेंचाइजी बेस्ट नहीं है खुद का मार्ट खुद का अपना अपना बनाइए आपने बनाई आप बनाइए ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप दस दस पंद्रह मार्ट विजिट करके आइए देखिए वहाँ कैसे क्या है क्या नहीं है यस है ना और आपको अपना बेस्ट सर्विस दे दीजिए अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे दीजिए मार्जिन है ना और जिसको और नॉलेज नहीं है तो हम कंसल्टेंसी दे देते हैं मात्र उनको फीस कितना एक लाख रुपए लेते हैं मस्त सिर्फ एक लाख आ, मतलब आप क्या क्या, तो क्या, क्या करते हैं तो इस इसमें हम, हम लोग वहाँ रहना खाना वहाँ पे मार्ट में पूरा हम लोग वहाँ रहेंगे वहाँ हमारी टीम रहेगी अच्छा पूरा मार्ट बनाएगी आपको परचेसिंग कराएगी आ, वो आ, सब करेंगे ना? मतलब कितना दिन काम करेंगे आपने बीस से पच्चीस दिन में हजार स्क्वायर फीट का मार्ट तैयार हो जाता है पच्चीस दिन में आपने आपका कितना लोग काम करेंगे उधर आपका वो सब काम करने वाले अलग अलग रहते हैं हाँ मतलब कम से कम मतलब जैसे फिट करने है तो रैक फिट करने वाला है तीन दिन हाँ सारे सुपरविजन कोऑर्डिनेशन सारे सब अलग अलग रहेंगे ये आपको ये सुपरविजन के चार्जेस है एक लाख रुपए एक लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस हम लोग लेते हैं बस बाकी उनका जो मार्ट है उनके बहुत कम से कम प्राइस में खोल के देंगे है ना ऐसा नहीं तो आपको पता रहेंगे आपको किस तरीके से कितना प्राइस कौन सा बिल्कुल, कितना मैनेजर हैं एक से एक जिन्होंने ऑलरेडी कई कंपनियों में काम कर चुका है तो तो राख लगाना है एक हजार स्क्वायर फीट तो मैंने अगर खुद जाएगा तो पांच लाख छह लाख रूपये में राख मिलेगा तो आपने जाएगा तो तीन लाख रूपये लोग जो है एक्चुअल और एक जगह नहीं रैक बहुत सारी मैन्युफेक्चरिंग कंपनिया हर जगह करके देख सकते हैं जी जी ठीक है तो कॉस्ट भी कम में लग जाएगा और ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपको एक लाख रुपए दे रहे हैं तो उससे दस गुना जगह दस गुना पैसा हमको दूसरा जगह पे बेच जाएंगे जो परचेसिंग में जैसे राख हो गया उसके इंटीरियर हो गया उसका जो सामान हो गया बहुत पैसा बचता है बहुत उसमें स्क्वायर फीट में हम लोग थोड़ी ले रहे हैं अच्छा हम लोग सीधा भाई ये एसी है बत्तीस हजार रूपए का एसी है एक टन का मान लीजिए तो आप चलिए पैसा दीजिए उसको एसी लगा लीजिए उसमें हमें कुछ कमाना नहीं 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 आपका पैसा लेकिन जो अब स्क्वायर फीट में अगर जाएगा तो वही ए सी आपको पचास हजार पड़ेगा वो ए सी आपको साठ हजार में पड़ेगा बत्तीस हजार के ए सी स्क्वायर फीट के हिसाब से वो भी बनाएंगे इंटीरियर और माल भी भरेंगे तो बहुत कॉस्ट चलेगा मैंने कई जगह देखा है जहाँ